ये है फाइन डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू फाइन डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा एंड एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से आप देखिए जब मैं डी वाई बाई डी थीटा निकालूंगा तो ए तो कॉन्स्टेंट है, ये तो एज इट रहेगा, वन अकेला है, तो वन का डिफरेंशियल क्या हो गया जीरो और कॉस थीटा का डिफरेंशियल क्या हो गया माइनस साइन थीटा। तो जीरो प्लस माइनस साइन थीटा यानी कि जीरो माइनस साइन थीटा इंटू ए माइनस ए साइन थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा ये क्या हो जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो एज इट रहा और थीटा को जो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन माइनस एज इट इज और साइन थीटा का क्या हो गया कॉस थीटा। तो ये बन गया हमारे पास ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, ऊपर रख दीजिए डी वाई बाई डी थीटा और नीचे डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा इज माइनस ए साइन थीटा और ये हो गया a इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल आउट हो गया। अगर इतना भी किसी बच्चे ने कराया तो मैंने नंबर दिए हैं, अच्छा तुमने फॉर्मूला लगाया था इसमें बहुत बढ़िया लगा क्योंकि और किसी भी बच्चे ने फॉर्मूला नहीं लगाया, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तुमने करे हैं। मुझे आप माइनस है, आप ये देखिएगा जब साइन थीटा है तो मैं साइन थीटा में साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू और वन माइनस कॉस टू थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो यहाँ हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल, इधर साइन स्क्वायर है तो एक साइन इधर कैंसिल और एक ये साइन थीटा बाई टू पूरा कैंसिल, कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू इज कॉट थीटा बाई टू विद अ माइनस साइन, माइनस कॉट थीटा बाई टू। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है, अगर आपने इतना भी करा है ना तो बोर्ड में भी नंबर मिलेंगे और यहाँ पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपने आप अपनी जिन भी बच्चों के पास अभी कॉपी है तो आप आंसर शीट्स देखिएगा कि अगर आपने कुछ स्टेप भी करा है या फॉर्मूला भी लिखा है तो मैंने उसका नंबर दिया है, तो मैं नेक्स्ट टाइम इतना आ जाइए, मैं नेक्स्ट टाइम इतनी लीनियंट मार्किंग करने वाला नहीं हूँ। जोर से दबा दो एक बार, बस बस अरे चिंता मत करो, तुम मन हल्का मत करो, तुमसे कम वाले भी है। हाँ, वो यही है। ठीक है, बंद कर लो इसको चुपचाप, पर फॉर्मूला याद करो क्योंकि ये तो मतलब मज़ा नहीं आया पेपर देख कर। तीन बच्चे हैं, मैं सबके सामने बता रहा हूँ भाई, वंश तुम देखना एक तो और कृति और लक्ष्य। ठीक है, अच्छा और किसी क्वेश्चन में, हाँ श्रीजा सेकंड वाला, सेकंड के दो पार्ट्स हैं तो सेकंड का फर्स्ट और सेकंड कौन सा बताऊँ, दोनों फर्स्ट वाला देख लीजिए। फर्स्ट वाला है टू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, जो भी फंक्शन दे रखा होता है उसको जनरली हम वाई मान लेते हैं, तो ये है वाई इज इक्वल टू टू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स देखिए टू तो कॉन्स्टेंट है, जब कॉन्स्टेंट किसी टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, जैसे ये ए था कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको एज इट इज छोड़ दिया, फिर अंदर वाले जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो थीटा का हो गया था क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो टू को एज इट इज छोड़ दिया। अब ये है रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, वन अपॉन टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट को करेंगे भाई, ये तो रूट के लिए करा, अब कॉट को करेंगे तो कॉट का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एक दो बच्चों ने ऐसा भी करा था कि सिर्फ कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर मैंने लाल पेन से लिख रखा है, तो ध्यान देना आप फॉर्मूले याद करिए, ये फॉर्मूले परेशान करेंगे आपको नहीं तो, इनको कर दो तीन दिन लगेंगे, रट डालो बस बैठ करना, बस पीछे पड़ जाओ, नहीं तो परेशान करेंगे। हाँ, फॉर्मूला कहीं लिखा है, ऐसा आपने लिखा आता है,
और पता नहीं तुमने ना क्वेश्चन प्रूफ गलत लगा रखा है, प्रोडक्ट प्रूफ गलत लगा रखा है, और एक एक चीज़ जो तुमने गड़बड़ करी थी, एक दो बच्चों ने और करी है, मैं बताऊंगा अभी क्या था। ये माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हुआ, ये कॉट का हुआ, तो कॉट का रिजल्ट क्या आया, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बैठ गए, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा 2x, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तबीयत प्रसन्न हो गई कॉपी चेक करके, बहुत ही बढ़िया। बस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लेते तो 25 में से 25 आ जाते हैं। सर हमारे जो क्वेश्चन पेपर आया था मैथ्स का, उसमें क्वेश्चन था, उसमें ये था कि ए मैट्रिक्स निकालनी थी और एक मैट्रिक्स दे रखी थी 3x2 की, और एक और दे रखी थी उसमें ए इज इक्वल टू लिख रखा था 3x3, और फिर लिखा था कि फाइंड ए मैट्रिक्स, तो वो कैसे निकलती। उसका हो सकता है वो ऑर्डर पूछ रहे हो आपसे, नहीं कुछ और पता नहीं, ऑर्डर नहीं मतलब बच्चे बता रहे थे उन्होंने ए बी सी डी ई एफ जी एच करके वैल्यू निकाली है, बट पूरी मैट्रिक्स में वैल्यू निकालते हैं फिर कंपेयर करके उसकी वैल्यू निकालते हैं कि फिर उसकी वैल्यू है। पेपर है हां सर, पेपर तो है शायद, अगर है तो, अगर है तो अच्छा मिल गया पेपर, मेरे को कौन सा क्वेश्चन राइट साइड में फर्स्ट क्वेश्चन है सर, 4 मार्क्स वाला। ठीक, अभी बता रहा हूँ बेटा, 2 मिनट रुकिए। ओके हुआ नहीं क्या ये वाला क्वेश्चन? नहीं सर ये नहीं आपका। चलिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2x है विद माइनस साइन, तो माइनस 2x cos x स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट cot x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट cot x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट किसी को मुझे लगता नहीं है सेकंड में डाउट होगा, क्योंकि सेकंड आसान ही था। अच्छा इसमें ना अगर मान लीजिए जैसे जो टेस्ट हुआ है इसमें किसी के बहुत अच्छे नंबर आए हैं तो उड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम आए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो ट्यूशन सेंटर है ये एक प्लेटफॉर्म ही है, यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो भी हमारी कमियाँ हमें वो दूर कर दी है बस, ताकि वो स्कूल के एग्ज़ाम में और मेजरली बोर्ड के एग्ज़ाम में गलती ना हो। नंबर कहाँ पर कटे हैं ये बता दूँ, ये और का ये देखो, पता है क्या गड़बड़ करा है, बस इतना बता दो कि ए इंटू 1 cos थीटा अगले स्टेप में माइनस ए cos थीटा कैसे हो गया, और वो जो वो जिसमें वो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाना था उसको क्या इतने लंबे मेथड से क्या कर रखे हैं। और अगर प्रूव करने के लिए आ गया और वही चीज पूछ ली गई, इसका आंसर 2/1+x² था, 2/1+x², ये तो मैं बता दूँ, मतलब वीडियो भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा, 5-6 क्वेश्चंस हैं वो देख लेना, हो जाएगा। मैक्सिमम में हमको एक्स को टेन थीटा ही मानना होता है, मैक्सिमम में 1-2 क्वेश्चन है जिसमें कॉस थीटा मानते हैं। अच्छा चलिए, इसके अलावा टेस्ट पेपर में कोई डाउट है किसी को बता दीजिए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? मैंने 5.7 कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा देखूंगा टेस्ट, अब प्रिपेयर होकर देना, अब प्रिपेयर होकर देना, क्योंकि मतलब तुम तीनों ही जो हो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी भाई, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, ठीक है। तुम्हें समझ रहा था, मैंने कहा तैयारी नहीं आता, हाँ उसमें तुमने क्वेश्चन रूल में ऑर्डर चेंज कर दिया कि क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को एक्सटेंस रखते हैं फिर d/dx और न्यूमरेटर, तुमने उल्टा कर दिया। अब एक चीज़ और जो ज़्यादातर बच्चों ने गलती करी है, आप ये देखिए, एक क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये जनरली बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिए जाते हैं, मैंने भी वही करा, तो ज़रा देखो इसमें क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो टेस्ट पेपर मैंने अभी आपको व्हाट्सएप किया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin θ/2 cos θ, मतलब ये जो एंगल है ना इसका हाफ हो जाता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ cos θ, तो आप ये देखिए यहाँ पर एंगल क्या था 2 थीटा था, 2 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा थीटा,
तो यहाँ पर थीटा आ गया और यहाँ पर भी थीटा आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे था 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा था तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगर सिर्फ थीटा होगा तो थीटा का आधा क्या होगा, थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रश्न नंबर 4, तो जो भी हमको फंक्शन दे रखा है उस पूरे फंक्शन को वाई मान लेते हैं। तो ये है साइन एक्स की होल पावर एक्स, होल पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। साइन एक्स की होल पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। मैंने आपको ये बताया था कि हमें लॉग लेना ही तब होता है जब हमारे पास या तो पावर एक्स में दे रखी हो, पावर में एक्स हो तब लेना होता है, या पावर बहुत बड़ी दे रखी हो, 10 पावर में 10 दे रखा हो, 12 दे रखा हो, तब लेते हैं। तो आप ये देखिएगा, आप में से ज़्यादातर बच्चों ने जो गलती करी है वो क्या है कि आपने लॉग यहीं पर ले लिया, तो आपने लॉग भी अच्छा चलो ले लिया, कोई गलती नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप लॉग वाई इज इक्वल टू लिख रहे हैं लॉग साइन एक्स की पावर एक्स प्लस लॉग साइन इनवर्स रूट एक्स, है ना। तो ये गलत है, जब आप दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं तो इधर जो भी कुछ लिखा हुआ है उस पूरे के आगे लॉग लगाओगे, और इधर ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इस पूरे के आगे लॉग लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस बी, और लॉग ए प्लस बी जो है वो लॉग ए प्लस लॉग भी नहीं होता, लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दोनों जगह जिन बच्चों ने जैसे ही लॉग लगा लिया वो वहीं पर गलत हो गया क्वेश्चन। फिर आगे आप कितना भी सही करते रहो कि मैंने डिफरेंशिएट तो सही करा था लेकिन आपका फाइनल आंसर गलत आया, ठीक है, ये गलती करी थी, ठीक। अब ज़रा देखिएगा, अब हम ये कहते हैं कि जब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पावर में एक्स है लेकिन यहाँ तो पावर में एक्स नहीं है, और साइन इनवर्स एक्स का तो सीधा डिफरेंशियल पता है मुझे, तो मुझे क्या करना था, मुझे इसको तो यू मान लेना था, y is equal to u, और इसको मान लेना था v, u plus v। अब जो ये वाला है इसको मैंने कह दिया u is equal to sin x की पावर x, पावर में x है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको दोनों तरफ log ले लूँगा, दोनों तरफ log ले लिया तो क्या हो गया, log u is equal to log sin x की होल पावर x। जब log के आगे कुछ भी लिखा होगा उसकी पावर में जो भी टर्म है फ्रंट में आ जाएगी, बिल्कुल सही। तो log u is equal to x log sin x, उसके बाद लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, तो जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो log u का डिफरेंशियल 1 upon u और u का डिफरेंशियल du by dx, फिर x as it is और log sin x का डिफरेंशियल 1 upon sin x, दिस वन इज फॉर log और sin x का डिफरेंशियल cos x, ठीक है, शॉर्ट में कर रहा हूँ थोड़ा। उसके बाद देखिए प्लस log sin x as it is और x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, x का डिफरेंशियल हो गया 1, ठीक है। अब यहां से मैं लिखूंगा du by dx is equal to u, उधर चला जाएगा और cos x upon sin x is cot x, तो ये हो गया x cot x plus log sin x, x cot x plus log sin x, ठीक है। अब यहाँ पर जो u है u की वैल्यू डालते हैं ना साइन एक्स की पावर एक्स, तो ये तो हमारा du by dx हो गया। उसके बाद मैं लिख लो इसको भी आप du by dx is equal to साइन एक्स की पावर x ब्रैकेट में x cot x प्लस log साइन x, x cot x प्लस log साइन x, ये हो गया। रूट एक्स का होता क्या है वैसे? रूट एक्स का एक चीज क्या होता है मुझे कुछ स्टेप्स याद आ जाते हैं, वो याद आ गया तो मैंने कहा किसी ने लिखा था 1/2x। अच्छा अब देखिए
अब जैसे कि वी है तो इसमें लेने की जरूरत ही नहीं है, इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है, हमने डी यू बाई डी एक्स निकाल दिया। जैसे वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स मेरे पास आ गया, अब मुझे डी वी बाई डी एक्स निकालना है, कैसे निकालूंगा। एक तो बच्चों ने कराया ये बिल्कुल ठीक, वी इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स है, तो इसको तो सीधे सीधे डिफरेंशियल करो ना, इसमें लॉग लेना ही नहीं है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस रूट एक्स का स्क्वायर होगा यहाँ पर, समझ रहे हैं, वन अपॉन वन माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, ये गड़बड़ करिए आपने, हाँ तो वन माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, और फिर उसके बाद में क्या है कि रूट एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है। तो ये हो गया वन अपॉन टू, और ये रूट एक्स लिखा हुआ है, तो रूट रूट ए इंटू रूट बी क्या हो जाएगा, रूट ए बी, तो इस एक्स को अंदर ही ले लो रूट के, एक्स इंटू वन माइनस एक्स, ऐसे भी लिख कर छोड़ दोगे ना, सिंप्लीफाई करोगे तो भी चलेगा, ये समझ गए भाई, रूट एक्स था और ये क्या था, 1 माइनस एक्स, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, रूट के अंदर x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों एक कॉमन रूट के अंदर आ गया, रूट एक्स इंटू वन माइनस एक्स। तो ये हमारा डी वी बाई डी एक्स हो गया, इसको और इसको ऐड करके लिख तो हो गया डी डी वाई बाई डी एक्स, खत्म हो गया, ठीक है, समझ गए। अगली बार पेपर देना भी मेहनत से, अभी ना क्या घर पर दिखा पाते ना, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ जो है मेरी भी क्लास लग जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है फाइंड मैट्रिक्स ए, जो आपके पेपर में आया अभी छविलदास वालों के, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये चार नंबर का है। बस वही छोटी सी गलती हुई है तुमसे, वही एक गलती हुई है। अच्छा दूसरा ना, एक गलती और करी है तुमने इसमें कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चंस में, कि लिमिट लिख नहीं रहे हो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच टेंडिंग टू जीरो वो लिख नहीं रहे हो, वो सीधा एक दो स्टेप में मुझे लगा ऐसा, नहीं गलत लग रहा है क्या मुझे, ये शायद किसी, हाँ लिखे हुए तो किसी और बच्चे ने करा, ठीक। चलिए जी, तो इसमें दे रखा है आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 आया था पेपर में, फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट फाइंड मैट्रिक्स कैपिटल ए सच दैट टू माइनस, हाँ हाँ ऐसा है, और एक नहीं है दो तीन है पहले भी है, माइनस थ्री कॉमा फोर इंटू ए इज इक्वल टू माइनस वन माइनस एट। अभी आपको समझ में आ जाएगा, बेहद आसान क्वेश्चन, माइनस वन माइनस एट माइनस टेन, वन माइनस टू माइनस फाइव, नाइन ट्वेंटी टू फिफ्टीन, नाइन ट्वेंटी टू फिफ्टीन, ठीक है। तो आप ये देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने ये देखा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ही तब होती है जब पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, जैसे मान लीजिए इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, एक दो तीन, तो तीन रो हैं, एक दो दो कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर है थ्री बाई टू। ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, रो बाई कॉलम। और ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या हो कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद 3x3 आ जाए, 2x3 क्यों, क्योंकि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो ये मैच करेगी तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए मैट्रिक्स जो है वो 2x3 की होनी चाहिए। तो आप ये लिखें मैट्रिक्स ए मस्ट बी ऑफ ऑर्डर 2x3, तो इसका ऑर्डर 2x3 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 2
माइनस वन वन जीरो माइनस थ्री फोर। अब ये जो टू बाई थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है इसको कैसे बनाएंगे भाई, दो रो होनी चाहिए इसमें, तो दो रो बना लीजिए और तीन कॉलम होने चाहिए, तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स बन गई, टू बाई थ्री की, एक और दो, दो रो हैं, एक दो तीन और तीन कॉलम, टू बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस वन माइनस एट माइनस टेन, वन माइनस टू माइनस फाइव नाइन, 22, 15। हाँ जी, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, तो पहली रो इनटू पहला कॉलम, फिर पहली रो इनटू दूसरा कॉलम, इस तरीके से करेंगे। तो पहली रो इनटू पहला कॉलम, तो 2 इनटू ए माइनस 1 इनटू डी, तो 2a माइनस डी हो जाएगा, 2a माइनस डी। फिर पहली रो इनटू दूसरा कॉलम, तो 2 इनटू बी माइनस 1 इनटू ई, तो 2b माइनस ई, 2b माइनस ई। फिर पहली रो इनटू तीसरा कॉलम, तो 2 इनटू सी माइनस 1 इनटू एफ, तो 2c माइनस एफ। ठीक है, उसके बाद दूसरी रो इनटू पहला कॉलम, तो 1 इनटू ए 0 इनटू डी, तो 1 इनटू ए क्या हो गया, ए हो गया, और जीरो इंटू डी जीरो, तो ए बचा केवल। उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो वन इंटू बी जीरो इंटू ई, तो केवल बी। दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो वन इंटू सी प्लस जीरो इंटू एफ, वन इंटू सी कितना हो गया सी, जीरो इंटू एफ जीरो, तो ओनली सी। उसके बाद तीसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो माइनस थ्री ए प्लस फोर डी, ये प्लस फोर डी। तीसरी रो इनटू दूसरा कॉलम, तो माइनस थ्री डी प्लस फोर ई। फिर तीसरी रो इनटू तीसरा कॉलम, तो माइनस थ्री सी प्लस फोर एफ। सर आ गया बाकी, ठीक है ना, आ गया, आप समझ गए हैं क्या है, ये माइनस वन माइनस इक्वल लग गई है, और फिर सबकी वैल्यू निकल गई, बस बस बस, वन माइनस टू माइनस फाइव और इसमें जो दूसरी रो है इसको देखकर बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ ए है, ए इज इक्वल टू वन हो गया, बी इज इक्वल टू माइनस टू हो गया, सी इज इक्वल टू माइनस फाइव हो गया, कोई इक्वेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये टू ए माइनस डी इज इक्वल टू माइनस वन है, इसमें ए की वैल्यू डालो तो डी की वैल्यू आ जाएगी, टू बी माइनस ई इज इक्वल टू माइनस एट है, बी की वैल्यू माइनस टू है, बी की वैल्यू डालो ई की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे यहाँ पर सी की वैल्यू एफ की आ जाएगी, ए बी सी डी ई एफ, ये छः वैल्यू चाहिए मैं उनको यहाँ पर डाल दें। क्वेश्चन देखा था, ए मैं लगाने वाला था, ए वन ए वन टू ए वन थ्री, उससे भी सही हो जाएगा, हाँ उससे भी सही हो जाएगा, पर वो ना लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा ना, ए वन वन ए वन टू कन्फ्यूजिंग लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स ये वैसे देना नहीं चाहिए था, हाँ ये एफ ओ जी जी ओ एफ से होता है, एफ ओ जी जी ओ एफ से होता है, कहाँ पर है ये, फर्स्ट पेज पर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट वन टू थ्री, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, क्या बहुत बढ़िया करा है इसने, मुझे मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे 25 में से 22 सारे फॉर्मूले आ गए, दो शीट ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, तो ये तो मेरे से उसका कोई फॉर्मूला होता तो है वैसे, शायद एफ ओ जी जी एफ से होगा, मैं देख कर बताऊँगा, मेरे को अभी एक्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता वैसे पेपर में, है एक तरीका इसको निकालने का, हाँ कौन सा, एट्थ, अच्छा ये वाला, इफ ए इज अ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये वाला, इफ ए इज अ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उन्होंने बोला कि फाइंड ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट, इसका डिटरमिनेंट निकालना है,
ये पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ए इज अ थ्री बाय थ्री नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ए, ये पूछ रहे हैं उन्होंने जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला है इसका मतलब तो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं है। आपके यहाँ हुआ नहीं था अभी, अभी हुआ नहीं है तो टेस्ट भाई करा रहे हैं, इनका टेस्ट हुआ था वो जो डाउट पूछा। तो यहाँ पर आप ये देखो कि जब मैं ए इनवर्स कैलकुलेट करता हूँ तो ए इनवर्स कैलकुलेट इस तरह से होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये इस तरह से होता है। अब वो कह रहे हैं कि आपको ए इनवर्स में एडजॉइंट ए की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है तो वो क्या आएगा, एडजॉइंट ए इनवर्स इधर है और इधर है एडजॉइंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इनटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इनटू एडजॉइंट ए ये हो जाएगा एडजॉइंट ए का स्क्वायर, ठीक है, एडजॉइंट ए का स्क्वायर ए इनवर्स। अच्छा फॉर्मूला पूछ रहे हैं ये, तो मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया, क्या लगा दिया सेपरेट कर दिया इनवर्स का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट का डिटरमिनेंट करा जा सकता है। और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट हो गया वन अपॉन ए इनवर्स वन अपॉन ए डिटरमिनेंट और एडजॉइंट का हो गया और डिटरमिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन। आपने इसको ऐसे कर दिया, ए इनवर्स मतलब किसी को सीधा सीधा करा कि ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ए का पूरे का डिटरमिनेंट, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, ये करा फिर ए इनवर्स को क्या लिखा, ए इनवर्स के डिटरमिनेंट को सॉरी वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट लिखा है और ए डिटरमिनेंट फैक्टर में एन माइनस वन से एनसीईआरटी में फॉर्मूला। हाँ, क्या 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 दोबारा बोलो, आपने इसको लिखा डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए बेस टू पावर एन माइनस वन और एन माइनस वन हो जाएगा थ्री माइनस वन, ठीक है। हाँ तो ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया सीधा से, तो ये वाला फॉर्मूला लिखना एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट is equal to determinant of a की power m minus 1, यहाँ पर m होता है order of the matrix, मैं बुक पे दे रखा है NCERT, हाँ वही वाला फॉर्मूला लगा देखो। अच्छा अच्छा और बताइए जी, और है कोई सर f 0 आ रहा है ऊपर वाले का f 0 आ रहा है, हाँ तो कोई बात नहीं सर, रूम पर एक्सी दो तो इक्विवेलेंस वाला, इक्विवेलेंस का भी मैं बताता हूँ, कोई फॉर्मूला होता है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। आप सारे पांच कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, पांच कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक मिनट रुको जरा, कहाँ गया मैं इधर लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंस रिलेशन बता दिया तो इसका मतलब हमें उसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब होना चाहिए, हाँ। है ना, तो और आंसर क्या आ रहा है जरा ये बताओ, फाइव आ रहा है, फाइव डायरेक्ट का ऑप्शन। इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री में एक सेट दे रखा है वन टू थ्री,
अब रिलेशंस बनाने हैं इसमें, तो एक रिलेशन आर वन हो गया, अब इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो इसमें वन वन टू टू थ्री थ्री ये तो जरूर होगा, वन वन टू टू थ्री थ्री क्योंकि रिफ्लेक्शन होना ही होना है इक्विवेलेंस को, वन वन टू टू थ्री थ्री हो गया, उसके बाद ये वन टू भी होना चाहिए, टू वन भी होना चाहिए, वन थ्री भी होना चाहिए, थ्री वन भी होना चाहिए, वन टू टू वन, वन थ्री थ्री वन, ऐसे ही टू थ्री थ्री टू। एक रिलेशन तो हमने ये बना दिया पहला, उसके बाद एक तो ये बन गया, और क्या बनाया? वन वन टू टू थ्री थ्री तो है ही, नहीं नहीं अलग से ले लिया ना, क्योंकि वन वन टू टू थ्री थ्री भी तीनों का रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। बहुत सही, सर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 भी, ये लंबा मेथड है, फार्मूला होता है इसका सर, नेटवर्क भी ऐसे दे रखा है मेरी बक्सी टू जो, अरे नहीं इसका फार्मूला है, मुझे ध्यान आ रहा है, पता नहीं मैंने आरडी में या एनसीईआरटी में देखा था, पर ये दिमाग से इसलिए उतर रहे क्योंकि करा नहीं है बहुत टाइम से, और इसका जो है पेपर में भी नहीं आता, नहीं आया बहुत टाइम से, दिमाग में नहीं आ रहा। इसका एक फार्मूला होता है कुछ, जैसे ये वाला फार्मूला था ना ये एन माइनस वन, ऐसे ही कुछ फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, तो 1 2 3 है तो इसके रिलेशन निकलेंगे कैसे, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकलेंगे, तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा वो बनेगा 2 की पावर 3, क्यों, क्योंकि हम पेयर में दो लेते हैं और कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 ज़्यादा है, पता नहीं 3 की पावर 2 होगा सर, थ्री की पावर टू होगा वो, कि जितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स होगा एन, और फिर ऑर्डर पेयर तो हम दो दो के बनाते हैं, तो ये आपका 3 की पावर 2 यानी कि 9 हो गया। फिर इसमें से ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने का, उसको इक्विवेलेंस क्लास बोला जाता है, तो वो GOF और FOG में है और उसका एक फार्मूला है, मैं वो फार्मूला देख कर बता दूँगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर 3 ही एलिमेंट्स हैं, अगर मान लो 4 एलिमेंट होंगे तो ना बनाते ही रह जाएंगे मतलब रिलेशन, और फिर वो आप ये सोचिए कि वो क्वेश्चन एक नंबर पे तो नहीं हो सकता, तो एक नंबर का एक फॉर्मूला होता है, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, इसका एक तरीका है करने का, ठीक है। और कोई है इसमें बताइए, और कोई क्वेश्चन है इसमें, ठीक है हाँ क्वेश्चन पेपर देख लो, अच्छा मुझे ये बताओ रिलेशन फंक्शन के बारे में क्या करेंगे, रिलेशन फंक्शन के बारे में कौन सा चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करा दो, कौन सा एग्जाम, अच्छा वो इतना सारा जो है वो सर एग्जाम में सब क्वेश्चन दिखा के देंगे, हां मैं समझ गया, सिलेबस कट गया ना सर, रिसर्च करवा चुके हो उसमें से भी पूछ लेते हैं, हम पकड़ लेंगे मान ली, फाइव ही आंसर, ऑप्शन दे रखा है फाइव, उसमें कुछ आंसर फाइव ही है इसका, सेम कुछ वही बता रहा हूँ, ये वाला जो है ना इसी का, तो हाँ तो रिलेशन बना कर वो तो देख रहे हैं आप कि फाइव बन गया, मैं फॉर्मूला जानना चाह रहा था बस इसका, क्योंकि एक नंबर में तो इतनी मेहनत नहीं करवाएंगे आपसे कि बार 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 ट्राई करते चले जाएंगे, एक नंबर का शॉर्टकट तरीका होता है एक नंबर वाले क्वेश्चन में, बैठो कोई परेशान हो जाओगे, क्योंकि आरडी करने का 12th में फायदा नहीं है, 11th तक ठीक है आरडी, 10th में बहुत बढ़िया है, लेकिन आप 12th की आरडी अगर उठाकर देखोगे तो आरडी में इतना ज़्यादा दे रखा है, और फिर बार बार मन में यही आता रहता है कि मैंने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए, ये छोड़ दिए, नहीं इसी में से ना आ जाए,
तो उससे ज़्यादा बेटर ये है आर डी या कोई भी हम प्रिपरेशन बुक खास तौर पर बोर्ड एग्जाम में तब उठाते हैं जब हमको चाहिए होता है कि पिछले साल के पेपर्स हमको पता चल जाएँ, क्वेश्चन पता चल जाएँ कि कैसे आते हैं, तो उसको उठाकर देखो आर डी को और जो चैप्टर वाइज है उसको उठाकर देखो तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर समझ में आ जाएगा कि ये हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं पेपर। तो ये भी इस वजह से नहीं आ रहा है कि जो इक्विवेलेंस क्लास वाला जो क्वेश्चन है इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड है, ये फॉर्मूला बनता है इसका, वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, वो मैं आपको देखकर बता दूंगा कि क्या है उसमें, क्योंकि ये पेपर में पूछा ही नहीं गया है, पिछले 10 साल में नहीं पूछा गया, इस वजह से मेरे भी दिमाग से उतर रहा है ये चीज़ है, ठीक है। और MCQ वगैरह अगर आप देखेंगे ना तो शायद 120-125 ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं, तो 1-2-3 टाइप तो आपको लगेगा कि हाँ NCERT वाली है लग रही है, लेकिन उसके बाद फिर लगने लगेगा तो बहुत ज़्यादा देर बुक बता, बुरा ही नहीं है मैं बता दूँ, चैप्टर वाइज एक बुक है NCERT के अलावा चैप्टर वाइज, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले NCERT कर ली जाए। आप से अच्छा टीचर है ना, चलिए जी। और ऐसा थोड़ी नहीं बताते कि यहाँ पे लॉकिंग क्या कर दिया, कुछ नहीं सर, इसको जीरो नहीं कर सकते क्या, इसका 1-2 काट दो, कुछ मत कर, रहने दो, मजाक कर रहा हूँ। अरे नहीं कुछ और, फिर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे इमिग्रेशन का, वही पूछ रहा था मैं सर। हां अब वो जो दादा उसके बाद चैप्टर करेंगे, दिखाओ क्या है क्वेश्चन सर, आपको आज क्वेश्चन से बताऊं सर, आपको भेजे थे मैंने, मेरे फोन में पूरा वो बंद हो गया सर, एक क्वेश्चन नोट करिएगा, ये सारे ही हैं ना जो भेजे हैं, जो सारे हैं ना जो भेजे हैं, चेक वेदर द रिलेशन, चेक वेदर द रिलेशन कैपिटल आर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है कि ये वाला जो रिलेशन है आर ऑन आर का मतलब क्या है, कि ये रिलेशन भी आर है और ऑन आर का मतलब ऑन रियल नंबर, ठीक है, मतलब हमारा ए और बी ये दोनों के दोनों रियल नंबर होने चाहिए। वो बोल रहे हैं कि आप ये बताइए कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहे, चेक करने के लिए बोल रहे हैं, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि तीनों में से कुछ भी ना हो। तो सबसे पहले जब हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं तो ए कोमा बी ना करके ए कोमा ए करेंगे, यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी में हमें क्या करना होगा, ए कोमा ए, इट इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यू, सोचो ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यू कैसा होगा, और पॉजिटिव नंबर्स, फॉर पॉजिटिव नंबर्स हम ये कहेंगे कि कोई भी, मतलब उसमें मत करके रफ में कर लेना, आप ये देख लो अगर मैंने पॉजिटिव नंबर 2 ले लिया
तो टू खुद के क्यूब से छोटा होगा, एट से छोटा होगा। अगर वन ले लिया तो वन अपने क्यूब से छोटा तो नहीं होगा लेकिन इक्वल होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए और पॉजिटिव नंबर्स इट इज टू, इट इज टू। अगला भी कोई भी आप नंबर लेते जाइए तो कोई भी नंबर अपने क्यूब से तो छोटा ही होगा। हाँ अभी देख रहे हो, फॉर नेगेटिव नंबर्स, फॉर नेगेटिव नंबर्स माइनस वन तो चलेगा, तो अगर मैंने माइनस वन ले लिया तो माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का क्यूब भी माइनस वन ही होता है, माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन। लेकिन अगर मैं माइनस टू ले दूंगा तो माइनस टू का क्यूब इज क्या हो जाएगा, माइनस एट। तो ये फॉल्स हो गया, माइनस टू माइनस एट से छोटा नहीं है, माइनस टू माइनस एट से बड़ा है, ठीक है। फॉर नेगेटिव नंबर्स इट इज फॉल्स। एग्जाम्पल इफ ए इज इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू का क्यूब, मतलब माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू माइनस एट, दिस इज फॉल्स। ये फॉल्स है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्री में क्या होता है, दो कंडीशन हमको दे रखी होती है, मतलब ये दे रखा होता है कि ए बी बिलोंग करता है, तो क्या बी ए बिलोंग करेगा। तो मैं ये कहूँगा सिमेट्री, सिमेट्री जब चेक करेंगे तो हम ये कहेंगे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हमको एक कंडीशन दे रखी होती है ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ही क्या है कि ए लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब, तो ए बी के क्यूब से छोटा होगा। हम मान लो मैंने ये कह दिया, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा नंबर ले दो जो इसको सेटिस्फाई करता हो, तो मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल टू, ए इज इक्वल टू टू और बी इज इक्वल टू थ्री, तो टू इज लेस देन इक्वल टू थ्री का क्यूब, मतलब टू इज लेस देन इक्वल टू 27। तो ये तो प्रूव हो गया कि हमने जानबूझ कर लिया ही ऐसा, तो इसको सेटिस्फाई करें। तो इसका उल्टा लीजिए, फॉर बी कॉमा ए थ्री इज लेस देन टू का क्यूब, तो क्या ऐसा होगा कि जब ए बी के क्यूब से छोटा है तो क्या बी ए के क्यूब से छोटा होगा। तो हम ये कहेंगे थ्री इज लेस देन इक्वल टू एट, टू आ रहा है, तो टू आ रहा है। अच्छा और कोई नंबर भी लेकर देखो, अगर मान लीजिए मैं फोर और सेवन लेते हूँ, फोर और सेवन ले लेता हूँ, या फोर और सिक्स ले लेते हैं, या और छोटा करो उसको थ्री और सिक्स ले लो, तो थ्री इज लेस देन इक्वल टू 216। उल्टा करेंगे सिक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री का क्यूब, यानी कि सिक्स इज लेस देन इक्वल टू 27, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए तो टू आ रहा है, तो टू फॉर पॉजिटिव नंबर्स प्रूफ और पॉजिटिव नंबर्स। जब हमको चेक करना होता है ना, तो चेक करने में हमें ये सोचना होता है कि कैसे भी करके इसको गलत साबित करना है, कैसे भी करके इसको गलत साबित करना है, बस ये करना होता है हमको चेक में। प्रूफ करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि इसको कैसे भी करके सही साबित करना है। प्रूफ में तो करना ही है, चेक में हो सकता है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है ना हो, जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं था, कहीं होगा कहीं नहीं होगा। तो आप ये देखिएगा कि जब सबसे ज़्यादा आसान तो हमारे लिए नेगेटिव वाला है, तो मैं एक बार नेगेटिव वाला ट्राई कर लेता हूँ। मान लो नेगेटिव में भी वो ट्रू हो जाता है, फिर मैं फ्रैक्शन वाला भी नंबर उठा कर देखूँगा, तो मैं फ्रैक्शन वाला ही देख लूँ एक बार। एक काम करते हैं, ए को अगर ले लूँ वन अपॉइंट टू और बी को ले लूँ वन पॉइंट थ्री टू, नहीं थ्री, तो उससे बड़ा हो जाएगा। ए को कुछ ऐसा लो जो छोटा हो, वन पॉइंट टेन ले लेते हैं, चलो हाँ नहीं, एक काम करता हूँ ना, इसको बना दो
1/2 और इसको बढ़ा दो 1/5 अब ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब ट्राई करता है ना, तो 1/10 इज लेस देन इक्वल टू 1/8 हो गया, 1/2 का क्यूब 1/8। तो जहाँ पर डिनोमिनेटर, जहाँ न्यूमरेटर सेम होता है, जहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है एक्चुअल में वो फ्रैक्शन छोटा होता है, ठीक है। तो 1/10 डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये इससे छोटा हो रहा है, ये तो सही हो गया। अब जरा इसका उल्टा देख लेते हैं, b इज लेस देन, चेक फॉर b इज लेस देन इक्वल टू a का क्यूब, तो b क्या है यहाँ पर 1/2 नहीं ना, 1/2 तो इससे बड़ा है, 1/2 तो इससे बड़ा है, तो ये फॉल्स हो गया। आप लिखेंगे दिस रिलेशन इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर फ्रैक्शंस। सो नॉट सिमेट्रिक, किसी तरीके से सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ऐसे ट्रांजिटिव में भी कर लेना चाहिए, हाँ नेगेटिव पर कर सकते हैं। ऐसे ही दिमाग में आया था कि रियल नंबर है तो फ्रैक्शन में ले लो। पॉजिटिव में एक्सेप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा, अरे मान लो मैंने, अच्छा ठीक है, 28 और 3 को दे दिया, जैसे कि 27 है, मान लो मैंने a को 28 ही दे दिया, सही तो कुछ भी मतलब लगाया जा सकता है, कुछ भी सोचा जा सकता है इसमें, कैसे भी जब चेक करना होता है तो हमारी अप्रोच ही ये होती है कि हमें उसको गलत साबित करना है, बस ये होता है। और जब हम पूरे जोर लगा लेते हैं रियल नंबर में, खासतौर पर जब हम पूरे जोर लगा लेते हैं, नेगेटिव भी ले लिया, पॉजिटिव भी ले लिया और अपने फ्रैक्शन भी ले लिया और तब भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर तो भाई वो हो ही जाता है कि हाँ भाई अब सिमेट्रिक हो गई, ठीक है। ट्रांजिटिव करना एक बार चेक, ठीक है। अच्छा अगली क्लास जो आपकी थर्सडे को है ना, वो तो शायद मैं नहीं दूँगा, शायद क्या पक्का ये मैं दूँगा, थर्सडे वाली क्लास आपकी नहीं होगी, और जो सैटरडे वाली क्लास है वो भी नहीं होगी, वो संडे को होगी, सैटरडे वाली क्लास संडे को होगी, ठीक है। संडे को अगर आप कहेंगे तो फर्स्ट हाफ में रख लेंगे, और नहीं तो सेकेंड हाफ में जो टाइम है उसी टाइम, जैसा कहो 12:30 के बाद, ठीक है। और कुछ भी हो तो मेरे को सैटरडे तक मैसेज कर देना, मतलब अपने सर से पूछ लेंगे टाइम का, पूछ कर बताओ, ठीक है। 12:30 को संडे को कर लो, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर लेते हैं स्टार्ट। उसमें क्या है सर, डिफरेंशिएशन आगे, हाँ डिफरेंशिएशन का ही आगे से है, ये आप समझ लेना कि अगस्त के एंड तक पहली बुक खत्म करा देंगे स्कूल में, ठीक है ना, मैं भी करा दूँगा। थर्सडे की छुट्टी रहेगी, मैं रिमाइंड भी करा दूँगा, ग्रुप पर डाल दूँगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, ओके भाई, ओके थैंक यू, मैं एक काम करता हूँ, वीडियोस भेजूँगी आप, वीडियोस चैप्टर का मैं नहीं बात पर वीडियोस से पूछ लेना मेरे से, 18 तक थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, पर आप बता रहे हो कि 20 तारीख को पेपर है तो मैं ना फिर बीच का टाइम नहीं आपको निकालना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं भेजता हूँ एक बार वीडियो भेजता हूँ, और एक ही साथ भेज दूँगा, सारी सीक्वेंशियली भेज दूँगा, जैसे पहली एक्सरसाइज पर दूसरी पर तीसरी पर चौथी ऐसे भेज दूँगा, देख लेना जो डाउट्स हैं पूछ लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर वन जो मैंने दिया था, अरे ठीक तो है वो, तुमने सही तो कर, अरे सही है तुम्हारा, मतलब तुम्हारा गलत है, कॉस पाई को तुमने जीरो ले रखा है सर, बस कॉस पाई को माइनस वन ले लेते, एक मिनट तो कॉस पाई को माइनस वन ले लेते, तो के की वैल्यू -2 / π आ जाती है।
तब तो मैं कर पाऊँगा ना, तो लेकिन फिर भी यार ना वीडियो देख कर करना शुरू करो और फॉर्मूले रटो भी मतलब अब करो कोशिश करो ठीक है ना। हाँ एक तो इसमें ये वाला और ये माइनस माइनस आपने ये सोच कर पाई के रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल रहा है तो ए तो कांस्टेंट है ए तो एज इट इज। अब 1 का डिफरेंशियल जो है